डियर स्टूडेंट वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्सेस हो गए आपके, ठीक है, तो दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और अब हम ये देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन, द फोर्स विच एक्ट इवन व्हेन देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जहाँ दो ऑब्जेक्ट्स जो थे उनके बीच में कांटेक्ट ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, मीन फिजिकल किसी भी तरह का कांटेक्ट ना हो। एग्जांपल कौन कौन से होंगे, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ईटीसी, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल। एक एक करके हम सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज को देखेंगे। हेयर इट इज मैग्नेटिक फोर्सेज, लेट अस परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी देखते हैं, आपके बुक में गिवन है ये। सपोज दैट वी हैव ए बार मैग्नेट और दूसरे एंड पे भी हमने हमारे पास एक बार मैग्नेट है और उसको पेंसिल्स नीचे रखी हुई है और मैग्नेट्स को हमने क्या किया है, ऊपर रख दिया है। टेक टू बार मैग्नेट्स, प्लेस वन मैग्नेट ऑन द थ्री राउंड पेंसिल्स, ठीक है, दूसरा वाला राउंड पेंसिल से, रिफर टू फिगर। नाउ टेक ए सेकेंड मैग्नेट एंड ब्रिंग इट वन एंड नियर द एंड ऑफ मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द पेंसिल, बोथ द मैग्नेट शुड नॉट टच ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। ऑब्जर्व केयरफुली, आपको ऑब्जर्व क्या क्या करना है। नाउ ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द पेंसिल्स। ऑब्जर्व केयरफुली वॉट हैपन टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द पेंसिल्स वेन द अदर मैग्नेट ब्रॉट नियर इट ईच टाइम। सपोज दैट हमने क्या किया है, सपोज दैट ये सेम पोल्स हैं जो रेड कलर्स के हैं, वो सेम पोल्स हैं, दूसरे वाले मैग्नेट को हमने पेंसिल पे रख दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सेम पोल्स होंगे तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, तो ये पेंसिल्स आपकी रोल करेंगी और ये मैग्नेट आगे की तरफ फॉरवर्ड बढ़ जाएगा। और वेयर अगर अपोजिट डायरेक्शन के हमने मैग्नेट्स को लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, ये पेंसिल रोल करेगी और इस पे जो मैग्नेट रखा हुआ है वो आगे इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द मैग्नेट, दिस इज ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी है ऑब्जेक्टिव टू डिमॉन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस ये अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, दो स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ लेनी है, स्ट्रॉ को दो पार्ट्स में हमको कट कर लेना है, एक एक स्ट्रॉ इस पार्ट की और एक स्ट्रॉ दूसरे पार्ट की। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले एक पेपर लेना है, मतलब ये जो आपका नीचे रखा हुआ है इसे हम सस्पेंडेड स्ट्रा कहेंगे और जो ऊपर है इसे हम क्या कहेंगे, फ्री स्ट्रा कहेंगे। फर्स्ट टाइम हमको क्या करना है, ये जो फ्री स्ट्रा है, फ्री स्ट्रा को हम एक पेपर से रब करेंगे और ये जो सस्पेंडेड स्ट्रा है उसके पास लाएंगे, फिर हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमको एक चीज करनी है, दूसरा काम करना है कि दोनों स्ट्रॉ को हमको रब करना है ऑन ए पेपर, फिर हम देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे से रिपल्सन शो कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हमने रब किया तो वहाँ पे कुछ चार्जेस थे जो एक्टिवेट हो गए और ये दूसरे को उसने अट्रैक्ट किया। जब दोनों को हमने सेम पेपर के पीस से हमने जब भी रब किया तो दोनों एक दूसरे से, दोनों के पास सेम चार्जेस हो गए और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। तो कन्फर्म है ऐसा भी कोई फोर्स होता है जो अपोजिट चार्जेस और सेम चार्जेस पे लगता है, उसे कौन सा कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने सबसे पहले, आपने ये कहानी सुनी होगी कि एप्पल जब भी नीचे गिरता है तो वो क्यों गिरता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। You know that leaves and fruits fall to the ground once they get detached from tree. Similarly, if any object slip off the hand, it also falls the ground. क्यों नीचे ही आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो इसके लिए एक अर्थ का एक फोर्स होता है, फोर्स को क्या है बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या करता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस वन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेट। तो वेट क्या होता है, इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ वन मास, ठीक है। जिस भी
मास पे या किसी गिवन मास पे ये क्या करता है, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स जितना काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका वेट कहता है। अगेन वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ ए गिवन मास। किसी भी मास पे अगर मास ज्यादा है तो ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, तो उसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, या उसका वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दैट इज लाइक ए स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर फोर्स। ठीक है, ये स्प्रिंग जो होती है ये फोर्स मेजर करती है वेट। व्हेन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस वी मेजर द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल द ऑब्जेक्ट। अब अगर ये मास है, ठीक है, कोई भी मास है, अगर हमने स्प्रिंग से हमने देखा तो ये स्प्रिंग यहाँ पे मेजर क्या कर रही है, ये स्प्रिंग यही मेजर कर रही है कि ग्रेविटी कितने फोर्स से उसको खींच रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज द वेट। ठीक है, नाउ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला गिवन भी है, इट इज पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। क्या होता है, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट्स बोथ द अमाउंट ऑफ फोर्स एंड द एरिया ऑन विच इट इज अप्लाइड। कौन सा एरिया है, कहाँ ये अप्लाइड हुआ है, और कितना फोर्स लग रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इट इज द डिनोटेड बाई पी। पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ए, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, तो यहां वॉट इज द एफ, एफ इज द फोर्स, एंड वॉट इज द ए, ए इज द एरिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ फोर्स और प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, एक तो कितना फोर्स लग रहा है इस पे डिपेंड करेगा, और वो फोर्स कितने एरिया में लग रहा है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लाइक टू थिंग्स आर हेयर, जैसे कोई भी मैन स्टैंडिंग है, ठीक है, और दूसरा क्या है, लेआउट है, लेइंग कंडीशन में है, तो एरिया जब भी स्टैंडिंग कंडीशन में रहेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहां पे क्या है, फोर्स ज्यादा रहेगा और प्रेशर यहां पे ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। लाइक वी कैन सी कि हम एक वाटर पे खड़े हैं या किसी ऐसे सब्सटेंस पे खड़े हैं, वाटर में अगर हम खड़े हैं तो वहां हम नीचे खड़े रहेंगे, बट अगर हमने अपना एरिया बढ़ा दिया है तो हम देखते हैं कि वहां पे हमारा जो प्रेशर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग, ए मैन लेइंग, डिफरेंट पोजीशन एग्जर्ट सेम फोर्स बट डिफरेंट प्रेशर, फोर्स सेम रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो गिवन मास पे सेम रहेगा, लेकिन जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। हेयर इट इज टू नोटेड द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, कैसे आया कि आपका फोर्स, फोर्स कैसे डिनोट करेंगे या फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और मीटर स्क्वायर क्या हुआ, जो आपका एरिया है, एरिया का क्या होगा आपका मीटर स्क्वायर, तो आपका यूनिट क्या हो गई आपकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड, और इसे क्या कहते हैं, पास्कल। ठीक है, इसे पास्कल भी कहते हैं। प्रेशर को कैसे डिनोट किया जाता है अगर आपसे पूछा जाता है तो पास्कल, एंड दिस नेक्स्ट वन एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, हियर पॉटर कैरिंग ए हैवी लोड, एक हैवी लोड है, ठीक है, किसी कुली के पास, तो वो यहाँ पे कौन सा एग्जांपल आता है, यहाँ पे यू कैन सी कि ये एक रेड कलर का एक रखा हुआ है कपड़ा, ठीक है, या सर पे कुछ भी रख लेते हैं, तो इससे क्या होता है, जो एरिया होता है वो एक्सटेंड कर जाता है, एरिया बढ़ जाता है, और सर पे जो प्रेशर होना चाहिए वो प्रेशर उस हिसाब से नहीं लगता है, तो कोई भी जो पोर्टर होता है वो चीज़ों को कैरी कर सकता है। ठीक है, दिस वन इज द एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट वन, कटिंग वेजिटेबल विद ए शार्प नाइफ इज इजी। अगर शार्प नाइफ की जगह हम एक ब्लंट नाइफ यूज कर रहे हैं तो आप ब्लंट नाइफ क्या होगा, वेजिटेबल्स को अच्छे से नहीं कटआउट कर पाएगा, लेकिन अगर हम एक शार्प नाइफ हम यूज कर रहे हैं तो शार्प नाइफ क्या करेगा, इजिली उसको कट कर लेगा। एक और आपकी एक्टिविटी है, टू शो द प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड एरिया। ठीक है, टेक टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ आयरन हैविंग द सेम वेट, प्लेस देम इन मड, मड में डालिए, वन हॉरिजेंटली एंड अदर इज वर्टिकली। ठीक है, एक वर्टिकली हो, एक हॉरिजेंटली हो, ऑब्जर्व विच ब्लॉक्स
सिंक डीपर इनटू द मड, कौन सा जो ब्लॉक होगा वो मड में ज्यादा अंदर तक रहेगा, ठीक है। नाउ प्लेस बोथ द ब्लॉक्स हॉरिजेंटली एंड कीप एन एडिशनल ब्लॉक ऑफ द सेम साइज एंड वेट ऑन वन ऑफ द ब्लॉक्स, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। तो जिसका एरिया कम रहेगा वहां पे क्या होगा कि प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और जिसका एरिया जो है ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा कम पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर एनी डाउट और क्वेरीज, मैसेज मी ऑन गूगल क्लासरूम।